नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव के फुटकर फुटपाथ कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव नगर के विजय स्तंभ में आज भीषण आग लगने से कपड़े की दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग को बुझाने में नगर पालिका कर्मचारी फायर ब्रिगेड को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अतिक्रमण के चलते और तंग गलियों में टैंकर और फायर ब्रिगेड की पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में नगर पालिका के कर्मचारियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विजय स्तंभ के आसपास छोटी कच्ची दुकानों में होजरी और मनिहारी की दुकान संचालित करने वाले छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस आग लगने से रेडीमेड कपड़े की दुकानें भी जलकर राख हो गई है। व्यापारियों ने बताया कि आग किस कारण लगी इसका भी पता नहीं चल पाया है। आग लगने की वजह से छोटे फुटकर व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो मुसीबत में आ गए हैं। सूचना मिलते ही जुन्नारदेव नगर पालिका के फायर ब्रिगेड अमले ने तत्काल आग पर काबू पाया, अन्यथा 1977 जैसे भीषण कांड की पुनरावृत्ति हो सकती थी। आग बुझाने वालों में आसपास के ग्रामीण और स्थानीय नागरिकों का भी बहुत सहयोग रहा। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी और नगर पालिका कर्मचारी, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड कर्मी तैनात रहे। जुन्नारदेव सिटी रिपोर्टर डॉक्टर रघुनाथ टैलेंट की रिपोर्ट।